उनका पोलिंग बूथ है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले और उन्होंने अपना यहाँ पे आवास बनवाया, अपना आधार बनवाया और वोटर आईडी कार्ड भी बनवाया है, और पहली मरतबा जो बतौर प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर वो अपना वोट कास्ट कर रही है। चौदह से ही उन्होंने संघर्ष जारी रखा और इसका जो फायदा है कह सकते हैं वो 2019 में स्मृति ईरानी को मिला। इस 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने इसी सीट से अमेठी की पटकनी दी थी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। कुछ ही देर पहले स्मृति जो है वो यहाँ पहुंची थी वोट करने के लिए और इस वक्त वो इसी कमरे के अंदर जो है बूथ में है, जो है वो अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए पहुंची है। हालांकि जैसे वो पहुंची, बाहर जो लोग खड़े थे उनसे भी बातें की, जो लोग कतारों में खड़े थे उनसे भी स्मृति ईरानी ने बात की है। उसके बाद जो है अब अपना वोट कास्ट करने के लिए वो अंदर गई है। दरअसल ये पहली बार हो रहा है जब स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी में वोट करने आई है। ये उनका पोलिंग बूथ है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले और उन्होंने अपना यहाँ पे आवास बनवाया, अपना आधार बनवाया और वोटर आईडी कार्ड भी बनवाया है, और पहली मरतबा जो बतौर प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर वो अपना वोट कास्ट कर रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो सीट है जिसे कभी गांधी परिवार का सीट कहा जाता था, 2014 में स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची थी, पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने और काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। हालांकि उस बार उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन बड़ी बात यह थी कि स्मृति लगातार यहाँ पर बनी रही। 14 से ही उन्होंने संघर्ष जारी रखा और इसका जो फायदा है कह सकते हैं वो 2019 में स्मृति ईरानी को मिला। इस 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने इसी सीट से अमेठी की पटकनी दी थी। उसके बाद एक बार फिर मैदान में स्मृति, हालांकि इस बार राहुल गांधी नहीं है लेकिन उनके परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बेहद दिलचस्प चुनाव जरूर है ये, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, जिस तरीके से लगातार संघर्ष किया है, और बड़ी बात यह है कि अपने लोगों के बीच इसी अमेठी में बनी रही और उन्होंने बकायदा यहाँ घर बनवाया और यहाँ का वोट, यहाँ के वोटर भी बनी। तो ये मैसेज बहुत साफ था कि अब स्मृति अमेठी के लिए बाहरी कैंडिडेट नहीं है, वो अमेठी की ही है। सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे।